हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आपका नीट 2024 का प्रिपरेशन बहुत स्मूथली चल रहा है। इस वीडियो में मैं जल्दी से डिस्कस करने वाली हूँ कि नीट 24 का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो आप सुनिए जावी जो भी कॉमन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो अगर आपके बाल छोटे हैं कोई इशू बात नहीं है, आप बिल्कुल ओपन हेयर से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल लॉन्ग हैं तो आप ओपन हेयर के साथ एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे। आप एक पोनी बना सकते हैं, आप चोटी बना सकते हैं, लेकिन आपको जो रबर बैंड यूज़ कर रहे हैं उसमें मेटल नहीं होना चाहिए। आपको मेटलिक हेयर बैंड यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, जूड़ा बहुत सारी पिंस के साथ नहीं बनाना है। बिल्कुल एक पोनी बना लो, सिंपल सी चोटी बना लो, और जिनके बाल छोटे हैं वो एक ओपन हेयर रख सकते हैं। बात करते हैं कि जो टॉप आप पहन रहे हैं या जो आप टी शर्ट आप पहन रहे हैं, तो सबसे पहले शर्ट नहीं पहनना है जिसमें बहुत सारे बटन्स हो, या ऐसा कोई भी ड्रेस नहीं पहनना है जिसमें बिग बटन्स दिख रहे हैं। दूसरी बात, जो भी आप टॉप या टी शर्ट कैरी कर रहे हो वो फुल स्लीव्स का नहीं होना चाहिए। अगर आप कुर्ती भी पहन रहे हो तो प्रेफरेबली वो हाफ स्लीव्स की होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड स्लीव्स नहीं होना चाहिए। कलर बिल्कुल नॉर्मल सा हो, बहुत ज़्यादा कुछ प्रिंटेड हो, बहुत ज़्यादा जिस पे कुछ लिखा हुआ हो, बहुत लोगोज हो, ऐसा जो टी शर्ट है आप अवॉइड कीजिए। बिल्कुल हाफ स्लीव्स है, कट स्लीव्स है, लाइट कलर्ड है, बढ़िया है। फुल स्लीव्स को हमको यहाँ पर अवॉइड करना है। और हमको टॉप में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉलर नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़े पॉकेट्स नहीं होना चाहिए, डेनिम नहीं होना चाहिए, बहुत हैवी दुपट्टा नहीं, दुपट्टा अवॉइड ही कीजिए, इनफैक्ट स्कार्फ नहीं कैरी करना है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। बॉटम की बात करें तो जीन्स नहीं पहनना है, कार्गो पैंट्स विद बहुत सारी पॉकेट्स नहीं पहनना है, चेक करने वाला परेशान हो जाएगा, कितनी पॉकेट चेक करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप कुर्ता पहन रहे हैं आप साथ में लेगिंग्स पहन सकते हैं। पिछले बार बहुत सारी गर्ल्स ने मुझसे पूछा था कि क्या लेगिंग्स पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। आपको जीन्स अवॉइड करनी है, कार्गो पैंट्स, बहुत सारी पॉकेट अवॉइड करनी है, जिप ना हो, मेटल का बटन ना हो आपके लोअर में तो अच्छा है। सबसे बढ़िया एक नॉर्मल लूज सा लोअर आप पहन के चले जाएं, और ज़्यादा फ्लेयर्ड वो भी नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी जो भी आप पहनते हैं, अगर कोई नोज पिन है, अगर ईयर रिंग्स हैं, चेन आप लोग पहनते हैं, ब्रेसलेट है, रिंग्स हैं, एंकलेट है, ऐसा कुछ भी चीज़ पहन के नहीं जानी है, नहीं तो फिर एग्जाम सेंटर पे वहाँ पे रखने की भी व्यवस्था नहीं होती है। अवॉइड एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी। गर्ल कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग कुछ मेहंदी वगैरह लगा के भी ना जाएं, वो भी चीज़ सही नहीं है। फिर बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या वॉच अलाउड है, वॉच पहनना अलाउड नहीं है, कैप या हैट पहनना अलाउड नहीं है। आप कोई नॉर्मल स्पेक्स कैरी कर सकते हैं पर सनग्लासेस नहीं पहनना है। आप यहाँ पे बी पॉइंट में देखिए कि जो फुटवेयर है उसके बारे में क्या लिखा है कि आप नॉर्मल स्लिपर्स पहन सकते हैं, अगर आपको सैंडल पहनना है तो सैंडल विथ लो हील्स पहन सकते हैं, शूज़ परमिटेड नहीं है, हाई हील्स परमिटेड नहीं है, सॉक्स शूज़ ये सब नहीं पहनना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्रेस कोड का ध्यान में रखना है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जो कस्टमरी ड्रेसेस का पॉइंट अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम टिक किया है तो आपको सेंटर पे 12:30 कर पहले पहुँच जाना है ताकि आपकी फ्रिस्किंग अच्छे से हो पाए। जिन स्टूडेंट्स ने टिक किया है कि हम कस्टमरी ड्रेस जैसे कि बुरखा है या पगड़ी है ऐसा कुछ पहनेंगे, ये उन्हीं वही लोग पहन के जा सकते हैं। अगर आपने नहीं फॉर्म में फिल किया तो भी आप ऐसा ना पहन के जाएँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ड्रेस कोड से रिलेटेड। आपको कोई भी ड्रेस कोड रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड अगला जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि नीट एग्जामिनेशन डे पर आपको क्या क्या कैरी करना है और क्या कैरी नहीं करना है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।